हेलो रिवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, आज शाम 4 बजे आपकी सीजीएल 2022 की आंसर की आने वाली थी और लगभग 5 साढ़े 5 बजे जो लिंक था आंसर की का वो एक्टिव भी हो गया था। तो आई होप आप सबने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे सीजीएल 2022 के प्री में, आपके कितने मार्क्स बने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मार्क्स नहीं देखे तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं मेरे, वहां पर मैंने लिंक डाल रखा है आंसर की का, आप वहां से अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। और रैंक आईक्यू पर लॉग इन करके आप डायरेक्ट अपने मार्क्स जोड़ के देख सकते हैं कि कितने आपके मार्क्स बने हैं। ठीक है, तो कितने आपके मार्क्स रहे वो कमेंट में बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेरे कितने मार्क्स बने सीजीएल 2022 के प्री में। 6 तारीख को मेरा एग्जाम था शिफ्ट थर्ड में। ठीक है, आप मेरा एडमिट कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे टोटल कितने मार्क्स बने और सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स बने, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अपने एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा सीजीएल एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। तो वहाँ पे कई लोग पूछ रहे थे कि भाई एक बार जब आंसर किया है तो अपने मार्क्स जरूर बता दीजिएगा। तो वही मैं इस वीडियो में आपको शो करने वाला हूँ। साथ में जो इस मेंस होने वाला है सीजीएल 2022 का, उस मेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि मेंस की तैयारी मैं ओवरऑल कर कैसे रहा हूँ। जो ब्रीफ में थोड़ी बातें हैं मेंस के बारे में वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है 3 से 4 दिन में आपकी आंसर की आ गई है। वैसे आपको ज्यादा टाइम लगता है, 7 से 10 दिन आंसर की आने में किसी भी एग्जाम के लगते थे, तो 3 से 4 दिन में आंसर की दे दी है। तो इस अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं जो मेंस होने वाला है वो भी जल्द ही मेंस होगा आपका। इतनी जैसे 3-4 महीने लगते थे ना मेंस होने में प्री के बाद, तो मुझे लगता है उससे कम टाइम इस बार मिलेगा आपको। तो आपको अभी से ही बिना टाइम वेस्ट करें मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर अभी तक आप तैयारी नहीं कर रहे थे मेंस की, सोच रहे थे कि प्री में नंबर आएंगे तो उस अकॉर्डिंग देखेंगे। तो बात करते हैं कि मेरे आंसर की के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स बने हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, रैंक आईक्यू से मैंने डाटा लिया है। रैंक आईक्यू में मैंने अपना लिंक पेस्ट करा, वहां से डायरेक्टली नंबर मिल जाते हैं आपको कितने आपके करेक्ट क्वेश्चन रहे, कितने रॉन्ग रहे और सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स रहे आपके, वो आप रैंक आईक्यू से अपने चेक कर सकते हैं। तो आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि मेरे 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट है, उसमें से 13 रॉन्ग निकले हैं, बाकी बचे हुए 85 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट रहे हैं। 85 के पॉजिटिव नंबर बने 170 और नेगेटिव हुए हैं 6.5 मार्क्स नेगेटिव में चले गए। तो ओवरऑल 163.5 मेरा जो ओवरऑल स्कोर रहा है सीजीएल प्री में वो इतना रहा है। 6 तारीख को शिफ्ट थर्ड में मेरा एग्जाम था, तो 163.5 मेरा स्कोर रहा है। हो सकता है कि आसान शिफ्ट हो तो माइनस भी हो जाए थोड़े नंबर और प्लस होने के चांस भी रहते हैं। ठीक है, 163.5 ओवरऑल स्कोर है। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो सब्जेक्ट वाइज में पहले हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरे सारे क्वेश्चन करेक्ट रहे हैं, उसमें मेरा 50 आउट ऑफ 50 स्कोर है। मैथ्स में एक सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो गया, उसमें दो ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट थे 12.19 और 12.91, तो उसमें मिस्टेक हो गई तो एक क्वेश्चन रॉन्ग निकला। 47.5 आउट ऑफ 50 मेरा मैथ्स में स्कोर रहा है। बाकी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश वैसे ही मेरी वीक है, मैं हमेशा बताते रहता हूँ आपको कि इंग्लिश पार्ट मेरा थोड़ा वीक है और रहता ही हम लोगों का थोड़ा वीक रहता है इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश में 5 गलतियां हुई हैं जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मैंने सोचा था कि हाँ 40+ तो मेरे मार्क्स रहेंगे। मैंने रिव्यू जो करा था एग्जाम का उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने इंग्लिश 2 बार करी थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था इंग्लिश पार्ट में एरर हो रहे हैं, गलतियां हो रही हैं। तो मैंने 2 बार इंग्लिश का पार्ट पूरी बार पूरा सॉल्व किया था, तब भी 5 गलतियां हो गई। 37.5 जो कि एक बेकार स्कोर है 50 में से, इतना स्कोर मेरा इंग्लिश में रहा है। तो इंग्लिश पार्ट में मुझे लगता है मुझे मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेंस में भी इंग्लिश की सबसे ज्यादा वेटेज है और इससे पहले जो मैंने मेंस दिया था उसमें मेरे इंग्लिश में कमी मार्क्स रहे थे। तो इंग्लिश में 37.5 आउट ऑफ 50। और जीके की बात करें तो जीके इस साल कंपैरेटिवली इजी आई है। लास्ट टाइम मैंने सीजीएल का एग्जाम दिया था सीजीएल 2021 का फ्री, उसमें मेरे जीके में 50 में से 5 मार्क्स थे, तो उससे तो बहुत अच्छे स्कोर है। इस बार 28.5 इस बार मार्क्स आए हैं मेरे जीके में। ठीक है, इस बार जीके का लेवल भी काफी लो था, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं थी, आप इजीली अच्छा स्कोर जीके में कर सकते थे। 28.5 मेरा आउट ऑफ 50 जीके में स्कोर रहा है। तो ये थे मेरे मार्क्स सीजीएल 2022 के प्री के, 163.5 आउट ऑफ 200 ये मेरे मार्क्स रहे हैं। बाकी कई लोगों को डाउट रहता है कि भाई आपके मार्क्स हैं या नहीं है, आप गलत बता रहे हो। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, देखो मेरे ज्यादा नंबर आएंगे तो भी आपको कुछ फायदा नहीं, मेरे कम नंबर आएंगे तो भी आपको कोई फायदा नहीं। आपके कितने नंबर आते हैं, आपने क्वालिफाई किया नहीं किया, वो मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी देखिए आपके कितने मार्क्स रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस आइडिया वो आइडिया जो है ना वो मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसके लिए सर्वे वगैरह करना पड़ता है, डाटा देखना पड़ता है कि ओवरऑल एवरेज नंबर कितने आ रहे हैं लोगों के। तो आरबी रविशन चैनल है, शुभम सर एनालिसिस कर देंगे अभी 2-3 दिन बाद कि कितने नंबर आपको चाहिए प्री में मेंस की तैयारी करने के लिए। उन्होंने एक अटेम्प्ट के बेस पर एनालिसिस कर रखा है, उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं। बाकी 2-3 दिनों में वीडियो डाल देंगे कि इतने मार्क्स अगर हैं आपके, मतलब अगर मुझे लगता है कि जनरल वालों के 110 या 120 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो उन्हें मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे काफी ज्यादा है और फॉर्म जिन लोगों ने भरा है वो कम है, कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, तो आपके जो लोग बुलाए जाएंगे वो 3-3.5 लाख लोग क्वालिफाई करेंगे टीयर वन को। तो अगर आपके 110 से 120 के बीच में है यूआर कैटेगरी में, तो आपको सीजीएल 2022 है जो उसके टीयर टू की तैयारी में लग जाना चाहिए। बाकी आरबी रेवोल्यूशन पे सर हैं, वो एनालिसिस करेंगे, उनके एनालिसिस पे आप पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी देखिए इंग्लिश में मेरे कम नंबर रहे हैं, तो इंग्लिश में आपकी भी अगर इंग्लिश वीक है, आपके प्री में मैथ्स में कम नंबर रहे या रीजनिंग में कम नंबर रहे, तो अपने गलतियों को पहचानिए और उस पर काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। इंग्लिश पे मुझे पता चल गया कि हाँ इंग्लिश डुबा सकती है मुझे, अभी इसने डुबाया तो मेंस में भी डुबाएगी, तो इंग्लिश में मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, ठीक है। अगर आपको पता है आपकी मैथ्स अच्छी है, अगर रीजनिंग थोड़ी बेकार है, तो ऐसा सरमाया ना रीजनिंग पे टाइम ज़्यादा दे और मैथ्स का टाइम थोड़ा कम कर। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस की तैयारी के बारे में। तो मेंस की तैयारी के लिए मैं सिंपल वही चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ जो मैं पहले करता था। जैसे मैथ्स के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोबारा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। मैं किरण की बुक से मैथ्स के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर चुका हूँ एक बार, तो अब दोबारा मैं किरण की बुक जो आपको पता ही है, इसी बुक को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इसी बुक के सारे क्वेश्चन जो लेटेस्ट वर्जन है 2022 तक के क्वेश्चन है सारे, वो सारे मैं एक बार दोबारा से कर रहा हूँ, ताकि एसएससी के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एक बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि एसएससी 90% क्वेश्चन वही पूछता है जो वो पहले पूछ चुका है। तो इसको एक बार फिर से कमांड करने के लिए दोबारा से कर रहा हूँ। ऐसा ना करें एक बार आपने बुक कर लिया दोबारा आप नहीं कर रहे, उसी चीज को दोबारा एक बार कर रहा हूँ। साथ में जो लेटेस्ट क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, चाहे वो एससीएम एग्जाम के हों या फिर दिल्ली पुलिस सीपीओ में लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं, सीजीएल 2021 के प्री के हैं, जब भी सीजीएल 2022 के आंसर की आ गई, इसके सारे सेट सॉल्व करूंगा एक बार, ठीक है। तो मैथ्स के लिए ये कर रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज वगैरह, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर को मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। और इंग्लिश के लिए मैंने थोड़ी रीडिंग एक्स्ट्रा स्टार्ट कर दी है, न्यूज़पेपर रीडिंग भी मैंने भी स्टार्ट कर दिया। बाकी कंप्यूटर के लिए मैंने पर्सनली बुक नहीं खरीदी है, ये देखिए ये बुक है, इसे मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, काफ़ी अच्छी बुक है। लाइब्रेरी में एक दोस्त है मेरा, उसने बुक परचेज करी है, किरण की बुक है। फायदा ये है इसमें देखिए, ये सीजीएल सीएचएल दोनों में कंप्यूटर जो आनी है ना उसके लिए सफिशियंट है। इसमें पहले थ्योरी दे रखी है आपकी कंप्यूटर की पूरी, और उसके बाद कंप्यूटर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के वो भी सारे दे रखे हैं। तो ये बढ़िया बुक है कंप्यूटर के लिए, अगर आप कंप्यूटर के लिए बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसे परचेज कर सकते हैं। एक बुक में आपको सारा जो भी मटेरियल है वो सब मिल जाएगा, ज़्यादा महंगी नहीं है, 235 इसमें लिखे हुए हैं। तो अगर आप स्टोर वगैरह से खरीदेंगे तो 180 या 190 रुपए की ये बुक आपको मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप कंप्यूटर के लिए इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं। टीए टू के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं और साथ में अपने टाइम पर काम करें, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं टाइमर लगा के सॉल्व करें, ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। मॉक टेस्ट ज़्यादा दें, एक हफ्ते में कम से कम 2 टीयर 2 के मॉक टेस्ट जरूर दें, पूरे 2 घंटे 15 मिनट के, ठीक है। टेस्ट बुक का यूज़ कर सकते हैं आप, ऑलिव बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों वेबसाइट के मॉक टेस्ट मैं दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छे हैं, तो आप भी इनको फॉलो कर सकते हैं दोनों को। और बाकी कोई और वेबसाइट है आपको लगता है उसके मॉक टेस्ट अच्छे होते हैं तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं आपको 2 सजेस्ट कर रहा हूँ, एक तो टेस्ट बुक और दूसरा ऑलिव बोर्ड, इन दोनों के मॉक टेस्ट मैं सीजीएल टीयर 2 के लिए दे रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। लेवल की बात करें तो इस बार टेस्ट बुक का लेवल ज़्यादा है और ऑलिव बोर्ड का इस बार जो टीयर 2 के मॉक टेस्ट उसका लेवल थोड़ा कम है, क्योंकि मैं दोनों ही दे रहा हूँ तो मेरे ऑलिव बोर्ड में कंपैरेटिवली ज़्यादा नंबर बनते हैं। रेलिवेंट कौन सा है कौन सा नहीं है ये अभी कुछ हम कह नहीं सकते, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर तो हमारे पास है नहीं कि हम देख लेंगे प्रीवियस ईयर में ऐसा पेपर आया था तो इस बार ऐसा आएगा। तो अगर ये हार्ड हैं थोड़े तो कोई दिक्कत नहीं, हार्ड हैं वैसे ऑलिव बोर्ड के और टेस्ट बुक के, दोनों के थोड़े हार्ड है, इतना हार्ड एसएससी पेपर नहीं बनाने वाले जितना इन्होंने बना रखा है, लेकिन कोई नहीं, हम इतने लेवल की तैयारी करेंगे तो इतने लेवल का आएगा तो उस पर अच्छा ही परफॉर्म करके आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करें, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उन्हें पहचाने, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप एक बार कर चुके हैं तो दोबारा करें। कोई बुक आप फॉलो कर सकते हैं, पिनाकल है आपके पास पिनाकल से करें, आपके किरण की बुक है वो भी काफी अच्छी है उससे कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ये नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, बुक मैंने आपको बता दी, मैं पर्सनली किरण फॉलो करता हूँ, आपके कोई और बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको अच्छी लगती है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मेन है हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना, ठीक है। कौन सी बुक है कौन सा सोर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पीडीएफ से करना चाहते हो पीडीएफ से भी कर सकते हैं। तो ये था वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपका कोई भी डाउट रहता है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी आपका कमेंट वगैरह है आपका मैसेज है वो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।